देश में ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 5G इंटरनेट लॉन्च होने पर इन सेवाओं के व्यापक विस्तार होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार ने वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम ऐप पर रजिस्ट्रेशन और सिम कार्ड के इस्तेमाल संबंधी नियमों को सख्त कर दिया है। इन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए दूसरे की आईडी या फर्जी पहचान से रजिस्ट्रेशन करने पर 1 साल की सजा और भारी जुर्माना तय किया गया है। इसके साथ ही सिम कार्ड को लेकर भी नियमों में सख्ती की गई है। डिजिटल सेवाओं के बढ़ने के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। इस तरह के मामलों को रोकने और ग्राहकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल या रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित व्यक्ति की ओरिजिनल और सही आईडी के उपयोग के लिए नियमों को कड़ा करते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि फेक आईडी या गलत पहचान पत्र देकर सिम कार्ड खरीदने, OTT प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन करने या फिर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप या टेलीग्राम का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वालों को 1 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए नियम के बाद दूसरे की आईडी या फेक आईडी के जरिए ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस कदम से कस्टमर्स को हैकर्स और जालसाजों से बचाना उद्देश्य है। मंत्रालय ने अक्टूबर में हाई स्पीड इंटरनेट 5G शुरू होने के चलते किसी भी तरह के फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए नियमों में सख्ती की है। आईडी संबंधी नियमों में बदलाव के बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी लिव समेत अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों को सख्त करेगी। माना जा रहा है कि इससे एक रजिस्ट्रेशन से कई लोगों के OTT प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी रोक लग सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।